गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं कसौल टू अटल टनल। एक्चुअली प्लान था स्पीति वैली, बट स्पीति वैली का रास्ता जो वाया मनाली है वो बंद है, तो दूसरा रास्ता जाता है शिमला से, बट वो हम लोग नहीं ले सकते हैं बिकॉज टाइम बढ़ जाएगा और ऑलरेडी छुट्टियां 6-7 दिन की हो चुकी हैं। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे पहले मनाली, हम मनाली से देखेंगे अटल टनल। अटल टनल जोरदार है दोस्त, पहुँचेंगे मनाली। ट्रैफिक सुना है बहुत ज़्यादा है, बट निकले हैं तो जाना ही पड़ेगा, देखते हैं कितनी ट्रैफिक है। माहौल बहुत ज़ोरदार है, भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है, अगल बगल के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं यार, ज़बरदस्त हैं। तो चलो लेते हैं रोड ट्रिप का आनंद और चलेंगे अटल टनल। दोस्तों मनाली हम पहले भी घूम चुके हैं, हम चलेंगे अटल टनल देखने। अटल टनल भारत ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची स्थान पे बनी हुई लंबी सुरंग है। वो जो सामने है वो है अटल टनल की एंट्री, वहां से जाती है गाड़ी अंदर। तो इसका मजेदार व्यू होने वाला है, चल के देखेंगे अटल टनल। मनाली से लेर जो राजमार्ग है उसे जोड़ता है ये, और रोहतांग जो पास पूरा फेमस एरिया है उसके नीचे से बनी हुई जोरदार है ये टनल है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाई गई ये सुरंग आज लोगों की एक मन पसंदीदा घूमने की जगहों में से एक है। हिमाचल जो मनाली आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये जो पहला रास्ता था वह आपको मनाली से केलांग वाला रास्ता, वो करीब 116 किलोमीटर था, आज यह टोटल पड़ जाता है करीब 71 किलोमीटर के बीच में। तो इसमें पहले के मुकाबले 3 से 4 घंटे की जो रनिंग है वो बच गई है। सेकेंड थिंग, आपको बाकी मौसम में हर जगह बारिश में लैंड स्लाइडिंग का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अब बच गई, तो ये लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वाओ दोस्तों, आ गए हैं हम अटल टनल क्रॉस करके आगे। जबरदस्त भीड़ है और नजारा अफलातून नजारा है, उतर पानी रहे, एक्चुअली उतर नहीं पा रहे क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। टनल क्रॉस किया हमने और जो ट्रैफिक है गाड़ियों की वो वहां भी उतनी और इस तरफ भी इतनी, ये 2 किलोमीटर की ट्रैफिक है। 2 किलोमीटर हमें यू टर्न मारने में लग गए,
तो एटलीस्ट मजा आया। समुद्र जल से करीब हाइट 3000 मीटर के ऊपर की इसकी हाइट यानी 10000 फीट के ऊपर बनाई गई है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने करीब 3 अक्टूबर को किया था इसका, और उसके बाद से यहाँ पे लोगों का आना जाना यह बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो अनबिलीवेबल 8 से 9 किलोमीटर की यह सुरंग बहुत ही ज़बरदस्त है यार। दोस्तों भीड़ इतनी भयंकर है कि क्या बताएं। हमने सुबह कसौल से मनाली लेह का अटल टनल का प्लान बनाया था, 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी शाम के बज चुके हैं 4। हम अभी अटल टनल पे ही हैं, ट्रैफिक ज़बरदस्त चल रही, लोग अफलातून आए हुए यहाँ पे, ज़बरदस्त भीड़। तो चलो जब तक हम मनाली नहीं पहुँचते, प्लान है आज हमारा रिटर्न होना बैक टू होम। हम हैं ब्यूटीफुल मनाली में और ये है स्नो का मजा। घंटे से ट्रैफिक में फंसे पड़े, गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल रही है। तो मनाली में बर्फ देखने आ रहे हो तो कम से कम ट्रैफिक के लिए 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेके आइए, नहीं तो पता चला आप कुछ मूड में आ रहे हैं, फटाफट जाएंगे। और ये बेवकूफ़ लोग जो ये घुसाते हैं ना गाड़ी बीच में ऐसा, ये लोगों को बेकार लोग, ये ट्रैफिक ज़्यादा जाम कराते हैं। उधर आधे डबल लाइन लग गई है उधर से, अभी वो आएगा ना कोई तो बराबर सबको निकालेगा। रात भर चलाएंगे गाड़ी, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ रुकना है। अभी कोई प्लान नहीं है कि हम लोग रिटर्न में कहाँ रुकेंगे। अगर नींद आ गई तो डेफिनेटली कहीं रुकेंगे, अगर नींद नहीं आई तो जितनी हो सके उतनी गाड़ी चलाएंगे और जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे मुंबई। तो वीडियो अगर पसंद आया है, व्यू आपको मज़ेदार लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपका अपना चैनल अपना भारत 21। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहुंचते हैं मुंबई, दिखाएंगे आपको भारत की और अलग अलग नज़ारे।